ओके सो फ्रेम सही है, मतलब थोड़ा सा साइड हो जाओ ना तो पीछे प्ले बटन दिखेगा। ठीक है, लाइट ऑन हो गई, वीडियो ऑन हो गया। अभी ना माइक लगा लेता हूँ ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस आए वॉइस में भी। ऑलराइट गाइस, सो अभी ऑडियो भी आपको काफी बेटर आ रही होगी। सो हर एक चीज को साइड में करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से इंट्रो के साथ। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अ न्यू एपिसोड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू रिएक्ट बॉलीवुड मूवी जो की अपने सल्लू भाई की नई मूवी आ रही है टाइगर 3। और उसका ट्रेलर आज ही आया है, तो मुझे पता है जहां तक आपने भी वो अभी तक नहीं देखा है ट्रेलर, तो मैंने सोचा कि हम लोग साथ में देख लेते हैं। मतलब आप मेरी वीडियो पे साथ में मेरे साथ बैठ के देख लो। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि आप ना ये वीडियो स्किप करके निकल जाओ, जल्दी से प्ले करते हैं वीडियो। ओ भाई मैंने एक क्लिप देख ली। मतलब जब YouTube पे कुछ सर्च करो तो सारी वीडियोस खुलती हैं और मेरा कर्सर उस वीडियो पे था और वो सलमान खान का शॉट। ओ भाई, मतलब समझ लो कुछ तो तगड़ा है। लेट्स गो। मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, पर आप सबके लिए मैं टाइगर हूँ। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत। टाइगर वन है क्या? बदले में कुछ नहीं आगे होगा, पर आज जोया का क्या हुआ था? आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है। इसे पता था कि हिंदुस्तान का नाम चीन रॉ एजेंट टाइगर गद्दार है, एक दिन गद्दार साबित होगा। टाइगर इज एनिमी नंबर 1। तो 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। मेरे बेटे को मैं नहीं, इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था, गद्दार या देशभक्त। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय हिंद। नाउ दिस सीन डायगोनल एंगल देखा कितना प्यारा था, और ये तो बेस्ट है। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। ऑल राइट ठीक है यार, काफी अच्छा था। बस ना एक जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जब छोटा सा एक शॉट आया था जहाँ पे वो मशीन गन थी M249 जैसा, वहां पे जब सलमान भाई ऐसा फायर कर रहे थे तो मुझे बस वो याद आ गया था। रेस मूवी नहीं आई थी, रेस 3, जहाँ तक उसमें जो लॉन्चर लेके आ गया था सलमान भाई, तो मतलब सब वो थोड़ी हरकतें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? काफी अच्छा है। सो गाइस, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस टीजर से लग रहा है कि कुछ बहुत डेडली आने वाला है, फुल ऑन बीस्ट मोड आने वाला है सलमान भाई द्वारा। सो यार, लेट्स वेट फॉर ट्रेलर एंड ऑल्सो फॉर फुल मूवी। दिवाली पे आ रही है भाई, मस्त देखेंगे सब। अगर मैं थोड़ी बहुत अपनी टिप्पणी दूं, जो कि मैं बिल्कुल भी कोई होता नहीं हूँ कि जज करूँ, तारीफ है, इस वजह से मैं बोलना चाहूंगा कि यार मुझे सलमान भाई का बीस्ट मोड बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब उनके एक्शंस बहुत ज्यादा जस्टिफाइड लगते हैं। मतलब एक पर्सनैलिटी, जो फाइटिंग सीन्स होती हैं उसमें एक पर्सनैलिटी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि भाई अगर एक बंदा पंच मार रहा है तो वो इंटेंसिटी एग्जैक्टली उन पे मैच होती है, समझ रहे हो ना? वो बीस्ट पर्सनैलिटी है यार। तो मुझे पर्सनली उनकी जितनी भी एक्शंस वाली मूवी है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जो उस टाइप की मूवी है, थोड़ा सा रेस 3 टाइप की, वो तो एकदम खदेड़ दो, बाहर खदेड़ दो। उस टाइम तो ऐसा सलमान भाई हो जाता है थोड़ा सा। हो गया। आगे चलो, आगे एंटरटेनमेंट के सिलसिले के आगे बढ़ाते हैं। और थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें उनकी एक परफॉर्मेंस, एक बेस्ट एक्टिंग देखने को मिली है, वो है बजरंगी भाईजान, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। लेट्स वेट फॉर दिस पावर बीज परफॉर्मेंस टाइगर 3। होपफुली आपको मेरे साथ ये टीजर देख के मजा आया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेरे इस चैनल पे कई तरह के कंटेंट्स आते हैं, मतलब डांस वीडियो, डांस ट्यूटोरियल, डेली ब्लॉग एंड नाउ रिएक्शन वीडियो। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, पीस आउट।